Wow! The martial art is coming in! आप बिना देखे पूछ नहीं सकते सवाल। लोग कहते हैं कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, लोग देखना भी चाह रहे थे कि भाई। मुझे शक आप पे शुरू से ही था। इतनी लड़कियां उन्होंने नहीं पूछा, मगर आपने पूछ ली। कहते हैं कि लड़कियों के मन की बात जानना इम्पॉसिबल है, तो ये तो नहीं जानते। जिस तरह से अपने माँ बाप हमें प्यार करते हैं, वो सच में किसी की जान भी ले सकते हैं कुछ हो। ये इमोशन बहुत अलग था जो मैंने इस बार एक्सपीरियंस किया। सर, इस मूवी में आपका फेवरेट डायलॉग? वे बहुत सारे हैं, बट फारूक ने गाने के दौरान आजा वे एक गाना आया है और उसमें इन्होंने एक लाइन लिखवाई थी, फिरत है राम जतन कर बन बन कैसे वियोग सही, कैसे सिया से रघुबर, सिया से रघुबर दूर रहे। सो जिस तरह से राम का प्रेम भाव दिखाया उन्होंने, मुझे वो मेरा फेवरेट। एक्शन सीन करने में ज्यादा मेहनत लगता है या रोमांटिक सीन करने में? एक्शन सीन थोड़ा जल्दी हो जाता है, लड़ना आसान है, प्यार करना थोड़ा सा तो मुश्किल होता है, क्योंकि प्यार में दूसरे का भी रिस्पॉन्स चाहिए होता है। नहीं, हमें एक आ गया, अरे साहब पटना में जो है 7-8% ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है ऑल इंडिया में, तो ठीक है आप नहीं जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसपे मैंने पंजाब में भी मिलेगा, हिंदुस्तान के चाहे जो जगह पे जाइए, अब्रॉड बाहर मुल्क में चाहे जहां जाइए, वहां आपको बिहारी काम करते हुए मिलेगा। तो बिहार की ऑडियंस सिर्फ बिहार की ऑडियंस नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की ऑडियंस है, क्योंकि बिहारी किसी ना किसी माध्यम से हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगहों पे हर जगह जुड़ा हुआ ही है। तो खुशी है पटना आके। और दूसरी बात यह है कि आपने पूछा तो सीक्वल्स का सीजन है, KGF 2 चली, अच्छा बिजनेस किया, अच्छी फिल्म थी, अभी भूलभुलैया 2 चली है, अभी यही उम्मीद है कि खुदा हाफिज चैप्टर 2 अपनी परीक्षा भी ऑडियंस का प्यार उसे मिले और वो भी चले, बहुत अच्छी चलेगी, ऑल द बेस्ट। और आप सभी लोगों को प्रॉमिस करना है कि आप 8 जुलाई को ही देखेंगे, चाहे कितना ही काम हो आपको, प्रॉमिस करेंगे आप लोग? पक्का? श्योर? क्या बात है, थैंक यू। अभी तो विद्युत जामवाल बॉलीवुड से उठ के आ गए हैं पटना, तो अब तो पटना का प्यार बनता है इनके लिए। बिल्कुल, मेरा प्यार तो पहले से ही था, आते नहीं तब भी। सो या मेरे फादर हिंदुस्तान की आर्मी में थे और मैं हिंदुस्तान के बहुत छोटे छोटे शहरों में, बहुत छोटे, मतलब पटना न्यूयॉर्क है उस हिसाब से, और मैं हिंदुस्तान काफ़ी घुमा। और मुझे अक्सर जब डायरेक्टर रोल देते थे तो वो फौजी का दे देते थे कि भाई तुम वन मैन आर्मी हो, घुसोगे अंदर और सबको तबाह करके आ जाओगे। फिर जंगली फिल्म आई जहाँ पर उन्होंने कहा कि जानवरों की प्रोटेक्शन करनी है, बचाओ उनको जाके। फिर मुझे डायरेक्टर मिले फारूक कबीर और उन्होंने मुझे खुदा हाफिज की स्टोरी नरेट की। जो पहला भाग है अगर आपने देखा है वो एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा था हैदराबाद टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, और जी, और इन्होंने सोचा इस पर फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि एक कपल की स्टोरी थी जिनकी नई नई शादी हुई थी और रिसेशन का दौर था, दोनों की जॉब छूट गई, दोनों ने बाहर देश जाकर जॉब ढूंढी और उस सिलसिले में उनकी बीवी गुम हो जाती है और कैसे हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके आता है वापस। सिंपल स्टोरी थी, मैंने कहा बहुत उमदा करेंगे, काफ़ी इमोशन था। अपनी बीवी अपनी प्रेमिका के लिए लड़ने का एक अलग पागलपन होता है, वो देशभक्ति का एक अलग है, ये एक अलग है, बहुत मजे आए। फिर फिल्म हिट हो गई और सबने कहा कि कमाल हो गया, प्रोड्यूसर्स काफ़ी खुश हो गए और हम किसी और फिल्म पे काम कर रहे हैं। और एक शाम को मुझे फारूक का फोन आया, उन्होंने कहा विद्युत
ऊपर वाले ने कर दिया जो हम चाहते थे, फिल्म हिट हो गई, डायरेक्टर का नाम हो गया, प्रोड्यूसर का नाम हो गया, सब सही है, बट हकीकत में ये जो कपल है ये दोनों की हैप्पी एंडिंग हुई नहीं है। क्योंकि ये जॉब ढूंढने जब इनकी वाइफ गई तो उन्होंने एक जॉब की 2-3 महीने में छोड़ दी, फिर दूसरी जॉब की, फिर छोड़ दी। इसलिए नहीं कि लोग मजाक उड़ाते थे, मगर लोग बातें करते थे कि नहीं वो मुझे जिसका रेप हुआ था, और जो हस्बैंड है उसने शहर बदल दिया। इट वाज रियली चैलेंजिंग क्योंकि इसको हम लोग बिग स्क्रीन पे लाओ, इस मूवी को बिग स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं, सो इट इज समथिंग डिफरेंट। यहां पे एक ऐसी चीज हो गई, एक ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पे लोगों को टाइम निकालना है, दे हैव टू इन्वेस्ट सम मनी, दे हैव टू इन्वेस्ट सम अमाउंट, उसके बाद हॉल में जाना है, तो दैट इज समथिंग बिग फॉर नॉर्मल ऑडियंस। सो व्हाट इज द थिंग दैट मेक्स दिस मूवी बिग स्क्रीन वर्थी, यानी कि लोग उस मूवी को स्क्रीन पे देखने के लिए क्यों जाएं, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो देखिए, मुझे लगता है कि आज के समय में अगर ओटीटी के 2 साल देखने के बाद अगर ऑडियंस को थिएटर में जाना है तो 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तो उस फिल्म का भाव, यानी उसका दिल, उसका इमोशन सही जगह पे होना चाहिए, ये तो चाहे आप फिल्म ओटीटी में डालें या थिएटर में डालें। और दूसरी बात स्केल, ये उदित जामवाल की सबसे आज तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है, और इस एक्शन को देखने के लिए, इसका स्केल देखने के लिए, इसके इजिप्ट के जो लोकेशंस में हमने शूट किया है वो आपको बड़े पर्दे पे ही मजा आएगा और पूरा पैसा वसूल होगा। नहीं पसंद उदित जामवाल? काफी पसंद है, तभी तो यहां हूं। थैंक यू। मुझे भी काफी पसंद है। सबसे पहली बात ये सुन लीजिए कि एक बड़े एक्शन हीरो के तौर पे ये जाने जाते हैं, लेकिन शायद जो लोग दूसरी इनका पहलू नहीं जानते, जो मैं बखूबी जानता हूँ कि विद्युत एक योगी भी हैं, और इनका बड़ा एक योगियों जैसा भाव स्वभाव है, जमीन पर पैर रख के चलते हैं ये, ऊंची छलांग लगाते हैं तब पैर उठ जाते हैं जमीन से, लेकिन जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, तो इसलिए ये एक आम आदमी इसलिए प्ले कर रहे हैं क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए हैं और उन किस्म के भाव को समझते हैं। और मुझे देखा ये सब इनमें, शायद पहले लोग हमारी इंडस्ट्री में जो है थोड़ा टाइप कास्ट कर देते हैं, कोई एक्शन करता है तो उसे एक्शन हीरो ही कहते हैं, तो इस बार आपको और कहीं ज्यादा इनके स्वरूप देखने को मिलेंगे फिल्म में। और पिछली बार भी विद्युत जामवाल थे, इस बार भी विद्युत जामवाल है, और मैं बार बार विद्युत जामवाल को चुनूंगा। उनको खुदा हाफिज का पहला भाग देखना पड़ेगा समझने के लिए, जो आप सवाल पूछ रहे हैं बनती है फिल्में, आप खुदा हाफिज का दूसरा हिस्सा भी देखेंगे, वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए उसमें फॉर श्योर। और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था अभी नीचे भी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक फिल्म कंपनी शुरू की है एक्शन हीरो फिल्म, और मुझसे अक्सर पूछा जाता है, अभी नीचे भी पूछा गया था, सर आप एक्टर बन गए हैं, उसका प्रोड्यूसर बन रहे हैं, नेक्स्ट क्या बन रहे हैं? और आप ही के लिए सर कि चूंकि मैं मुंबई से नहीं और बाहर से आया हूँ, और मुझमें ना एक यकीन तो था कि कोई हेल्प करे ना करे एक टैलेंट है अंदर, और वो टैलेंट कोई ना कोई तो पहचान जाएगा कोई ना कोई। एक्शन हीरो फिल्म जब मैंने शुरू की थी यही सोच के कि जिनके साथ मैंने, जिनको बचपन से देखा है टीवी पे या जिन एक्टर्स को देखता हूँ और वो पार्टी पे नहीं मिलते हैं, वहाँ नहीं मिलते हैं, उन सबके साथ काम करना है सर, एक ये रीजन था बताना चाहता हूँ। खुदा हाफिज एक को दर्शकों का इतना प्यार मिला, तो खुदा हाफिज टू के लिए दर्शकों से क्या उम्मीद है आपकी? सब लोग, ये बहुत आउटसाइडर इनसाइडर डिबेट चलता रहता है, अगर अगर आप सब लोग वाकई आउटसाइडर्स को सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्री में, तो विद्युत जामवाल को सपोर्ट कीजिए और आके फिल्म देखिए, और अब तक की इनके सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है ये गारंटी है, और बड़े लेवल का एक्शन है, आपको बड़े पर्दे पर देखने में बहुत मजा आएगा, और सिर्फ एक्शन ही नहीं, आपको हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नया पहलू दिखेगा, एक नए कलाकार का इस फिल्म में, जिस किस्म का इमोशनल भाव है इस फिल्म का, तो इसका एक्शन भी जो है ये इमोशनल एक्शन है, सिर्फ मार धार के लिए नहीं है, इसके पीछे इमोशन बहुत स्ट्रांग है फैमिली का। देखना जरूरी है कि किस तरह से हम लोग भी कई चीजें अपनी बदल सकते हैं सोच को। और जब हमने पहला भाग ओटीटी में रिलीज किया था सर, लोगों ने बहुत प्यार दिया, दिल से बहुत प्यार दिया, और सबने एक बात बोली कि बड़े पर्दे पे आती तो मजे आ जाते।
जब हम कहानी पे काम कर रहे थे तो हमने ये तो सोच लिया था जब बड़े पर्दे पे आएगी तो ऐसी दिखनी चाहिए जो आज तक बनी ना हो, और मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो भी देखेंगे बहुत खुश होंगे। सर, एक्शन आपने बोला था एक्शन इसमें थोड़ा हट गया है, क्या इसमें एक्शन ऐसा आपने जबरदस्त किया? देखिए, एक तो ये है कि इसका जो एक्शन है वो बड़ा बड़ा असली तरीके से इसको किया गया है, कोई VFX नहीं यूज़ किया है, कोई बॉडी डबल नहीं है, कोई सेट का लोकेशन नहीं है, सारा एक्शन जो है वो लाइव लोकेशंस पे, असली लोकेशंस पे किया गया है। बहुत चिले हैं ये, बहुत कटे हैं, बहुत लगा है इनको एक्शन करते वक्त, और मुझे लगता है कुछ दूसरी फिल्मों से थोड़ा हटके एक्शन ये भी है कि इसमें जब विद्युत जामवाल घूसा मारेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ पड़ा है घूसा, तो ज़्यादा असली किस्म का जिसे कहते हैं ना एक्शन, बिना ज़्यादा बनावटापन, उस किस्म का एक्शन है। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा हटके होगा ऑडियंस के लिए, अक्सर लोग बहुत ज़्यादा VFX डाल देते हैं या ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो हजम नहीं होती है, तो ये एक्शन ज़रा आपको उस हिसाब से पसंद भी आएगा। समाज का आईना होता है इस मूवी से, बेसिकली क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? बहुत सारे मैसेजेस हैं, पीछे करो, ऐसा नहीं करो, उनमें से एक है कि चुप भी रहिए, मजाक कर रहा हूं। कई मैसेजेस हैं, अग्नि परीक्षा है खुदा हाफिज़ के दूसरे भाग का नाम। हम जिंदगी में कई चीज़ों से गुजरते हैं और फेल हो जाते हैं कई बार। फेल होना एक पर्सनल चीज़ है, और जब उसके बाद हम उसमें संभल रहे होते हैं तो सोसाइटी का काम होता है कि हमारा मजाक ना उड़ाएं या हमारा साथ दें। इस बारे में अग्नि परीक्षा, किस तरह से एक कपल एक अग्नि परीक्षा के थ्रू गुजरता है, चाहे हस्बैंड अपनी वाइफ को दूसरे देश से वापस भी ले आया है, सब कुछ सही भी हो गया है, उन दोनों के बीच में सब कुछ सही है, मगर क्या आपको सोसाइटी रहने दे रही है? दूसरा मुद्दा है अडॉप्शन का। आजकल मैं कई बार सुनता हूँ कि हमें अभी बच्चा नहीं हुआ है और मुझे लगता है मुझे बच्चे की बहुत ज़रूरत है, हमें खुशी होगी, एक फैमिली बात करती है। तो कहीं ना कहीं निखरने का मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारे पटना में, हमारे बिहार में भी तो फिल्म सिटी नहीं बनी है, उस विषय में आप क्या कहेंगे? शुरुआत हो गई है ना, आज हम आ गए हैं, शुरुआत हुई है। हम लोगों को जैसे फारूक सर बोल रहे थे कि बोला गया कि इतना ज़रूरी नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है, इतना तो है तो जाएंगे ज़रूर, शुरुआत हुई है। जब मैं वापस जाऊँगा अपने सब दोस्तों से ये बात तो होगी, मुझसे पूछेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस, मज़े आ गए, कमाल के जर्नलिस्ट टर्न आउट हुआ, क्या रोड्स थी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कभी गया ही नहीं है उसको यहाँ का पता ही नहीं है, उन्होंने जो फिल्मों में थोड़ा बहुत देखा है या लोगों की बातें सुनी है जो 90% गलत हैं, वो सब वहम तो मैं वापस जाके तोड़ दूँगा। भी अच्छी चलती है, सब एक्टर्स आते हैं, आप लोग आते हैं, लेकिन जो भी उन्होंने कहा कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री का कोई स्कोप नहीं, बहुत लोगों ने कहा ये फिल्म सिटी बनेगी, यहाँ बनेगा, वहाँ बनेगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, आप लोग क्यों नहीं पहल करते हैं सरकार से कहकर कि भाई वहाँ ऐसी होनी चाहिए, दबाव क्यों नहीं बनाते हैं? यहीं पे तो पहल की है सर, यहीं से तो पहल शुरू होगी। आज मैं जिससे भी मिलूंगा, क्योंकि मुझे मिलना है कई लोगों से, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है दीजिए ना, हम लोग तो शुरू करेंगे। सर, एक क्वेश्चन मेरा है जी, कि फर्स्ट फिल्म में आपने अपनी पत्नी के लिए लड़ाई लड़ा, जंग लड़ा, लेकिन सेकंड फिल्म में अपनी बेटी के लिए, और साथ ही साथ ट्रेलर में जैसा दिखाया गया कि एक टाइम पे आपकी पत्नी भी आपको छोड़ के चली जाए, तो दोनों जंग एक साथ लड़ना आपके लिए कितना लगा होगा? नहीं, बीवी से लड़ना बहुत मुश्किल काम है, तो मैं समझ गया हूँ फिल्म करके। अभी मैं मैडम को सुन रहा था, जब वो थोड़ा सा गुस्सा करती थी सब चुप हो जाते थे, लड़की का डर तो होता ही है। मुश्किल बीवी से लड़ना है या बच्चे के लिए लड़ने से ज़्यादा ना सोसाइटी का जो सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं मुंबई के बाहर से हूँ, जैसे मैंने कहा मेरे फादर आर्मी में थे, सो जब मैं मुंबई आया एक्टर बनने, सपोर्ट नहीं मिला, लोग कर सकते हैं सपोर्ट, नहीं मिला। पर फिल्म में भी बीवी से लड़ाई, बेटी के लिए लड़ना, अगर साथ वाले सपोर्ट कर देना तो बहुत फ़ायदा होता है, और आप इस फिल्म में देखेंगे कि किस तरह से लोग मदद तो कर सकते हैं, छोटी छोटी उम्र कर सकते हैं। दोनों से बात करेंगे ना, विद्युत जी, अरे ये भी रह गए, एक सवाल सर, आपको लोग एक्शन स्टार के रूप में जानते हैं, इस डॉलर से आप क्या निकलना चाहते हैं? पहले तो मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक्शन स्टार हूँ। जैसे अगर आपको कोई बोले अगर आप बिहारी हो इससे निकलना चाहोगे, नहीं, यही तो हम हैं,
इसी के लिए तो बॉम्बे आए थे, इसके अलावा आता भी कुछ नहीं था। मैं वो एक्टर नहीं हूँ सर जिसने फिल्मों में आने के लिए एक्शन सीखा है। इन्होंने एक बात बोली, नो स्टंट डबल, नो केबल्स, ये मैं आज से नहीं पहले से कर रहा हूँ। एक और बात इसी के सिलसिले में, इसमें अलग क्या एक्शन में सर, मैं हर फिल्म में ना ट्रेंड फाइटर होता हूँ, मतलब मैं कमांडो हूँ तो मुझे सब आता है, गन से लेके सब कुछ। जब मुझे फारूक ने ये स्टोरी सुनाई, मेरे लिए अलग थी कि कॉमन मैन, कॉमन मैन जिसको लड़ना नहीं आता, जिसने लड़ा नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ी फिजिकल, उस पर जब कोई आपत्ति आ जाती है और वो अपने आप पर आ जाए तो वो कॉमन मैन बाहुबली बन जाता है। जब हमने फिल्म शूट की थी एक बात पक्का थी कि अगर मेरे हाथ में हथौड़ा आ जाए और मुझे लड़ना नहीं आता और किसी ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया, मैं क्या करूँगा, वो हथौड़ा चलाना आना नहीं चाहिए, वो अपने आप चलेगा। और पूरी फिल्म में आप देखेंगे जो एक्शन है बिल्कुल रियल है, जो देखेगा वो समझ जाएगा कि सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो हाथ में औजार सब काम कर रहे हैं। उनको क्यों नहीं चुनना था वो सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि जब भी मैं हम लोग एक रोड मैप बनाते हैं कि अभी फिल्म प्रमोट करनी है, उत्तर प्रदेश में यहाँ जाएंगे, गुजरात में यहाँ जाएंगे, राजस्थान में यहाँ जाएंगे, पंजाब में यहाँ जाएंगे, बिहार का कभी जिक्र नहीं हुआ मेरे 10 साल के करियर में। ये पहली बार है कि मैं अपनी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और मैं पार्ट ऑफ प्रोडक्शन हूँ। और मैंने फारूक को एक दिन फ़ोन किया, मैंने कहा फारूक बिहार तो जाना ही जाना है, और हमारी मीटिंग हुई थी, 12 लोग थे और सबने बोला ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे फिल्में अच्छी करती हैं, एक्शन अगर अच्छी फिल्म है तो अच्छा करेगी। सो मैंने सिर्फ एक ही बात बोली थी, अगर लोगों को वहाँ पे पसंद है तो उन लोगों से मिलना ज़रूरी, किसी को तो समझ है किसी सही चीज़ की। और दूसरा रीज़न ये भी था कि बहुत ज़रूरी है यहाँ आना, क्योंकि मेरी स्टंट टीम है जो जिसके बारे में दुनिया जानती है, उसमें जो सबसे उम्दा फाइटर हैं, जो सबसे दिलेर लड़के हैं, वो बिहार के छोटे छोटे गांवों से हैं। मैंने फिल्म शूट किया IP71, NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, सबसे ड्रामा के लिए सबसे बड़ा थिएटर के लिए स्कूल है। अगर आप देखेंगे वहाँ पे जनसंख्या बिहार से लोगों की बहुत ज़्यादा है। हम सिर्फ बोलते हैं कि IIT या सिविल सर्विसेज में, हम लोग कभी दिलेरी की बात नहीं करते हैं, क्रिएटिविटी की बात नहीं करते हैं। इस शहर में आना बहुत ज़रूरी था, उन सबसे मिलना, अगर टैलेंट दिखता है उस टैलेंट के साथ काम करना। तीसरा बात, हिंदुस्तान में कई जगह आप शूटिंग करते हैं और लोग जाते हैं, अरे हम चले यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, सरकार बहुत मदद कर रही है, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर भी हम आके फिल्में शूट करें, बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को भी काम मिले। यहाँ पे इतने एक्टर्स हैं, बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे काम मिलेगा, यहीं पे काम करेंगे। ये एक मौका है इस शहर को देखने का, समझने का। आई थिंक इससे ज़्यादा तो